आपके बीच आने का मौका मिला। सचमुच बहुत आनंद आता है जब खतौली में आते हैं इस कलीसिया में, क्योंकि यहां पर मुझे स्वतंत्रता दिखाई होती है। और सचमुच जहां प्रभु होता है वहां पर स्वतंत्रता होती है। आप बहुत आनंद के साथ उसकी महिमा करते हैं और प्रभु इसी चीज को पसंद करता है। महिमा इसलिए करते हैं क्योंकि प्रभु आपके जीवनों में, आपके घरों में, आपके परिवारों में अद्भुत काम करता। जीवित परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है, इसलिए हमारी प्रार्थनाओं, हमारी निवेदनों को वो अपने पिता तक पहुंचाता है और उसको पिता पूरे करने में आनंदित होता। धन्यवाद देते हैं इस सुंदर दिन के लिए जो प्रभु ने हमारे जीवनों में रखा। लिखा है कि विश्राम दिन को पवित्र मानना चाहिए। भजन संहिता में लिखा है, भजन का लिखने वाला, कि धन्य है जिनको वो चुनकर अपने समीप आने देता, ताकि वो उसके मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त हो सके। सचमुच परमेश्वर कहता है कि मेरा ज्ञान तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसी ज्ञान के द्वारा हम पर कहा शैतान को पैरों के नीचे उचल सके। एक जगह वचन में लिखा है कि ज्ञान न होने के कारण मेरी भेड़े बंधुआई में चिंता। अवश्य है कि आज अगर हम शैतान को हरा पाएंगे तो वचन का ज्ञान होना चाहिए। ये वचन का ज्ञान अगर हमारे पास होगा तो हम परमेश्वर के सामर्थ को जान पाएंगे, परमेश्वर के अद्भुत कामों को जान पाएंगे और किस तरीके से हम शैतान के ऊपर हमें जयवंत हो सकते हैं हम उस चीजों को भी जान पाएंगे। लिखा है परमेश्वर ने अपने वचन को अपने नाम से अधिक महत्व दिया, और अगर हमें परमेश्वर को जानना है तो अवश्य है उसके वचन को भी जानना। लिखा है यूहन्ना में, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर। अगर आप और हमें परमेश्वर को जानना है तो वचन को जानना है, और अगर हम वचन को जानेंगे तो परमेश्वर की सिद्ध भली और भावती इच्छा को हम जान पाएंगे, जिसके द्वारा हमारा जीवन, हमारा मनुष्यत्व बदलता चला जाएगा। अभी परसों दो दिन पहले जिस तरीके से अभी बताया गया कि ये पूरा हफ्ता हम इस जन्म दिवस को हम मनाएंगे, पूरा हफ्ता। सचमुच दो दिन पहले अभी आप और हमने बहुत बड़ा एक उत्सव मनाया। कौन सा उत्सव? क्रिस्ट के जन्म के उत्सव को मनाया। सबने मनाया ना, पूरे संसार ने मनाया। कई उत्सव मनाए जाते हैं, कई जन्म के उत्सव मनाए जाते हैं ना, बहुत से जन्म के उत्सव मनाए जाते हैं हमारे कैलेंडर में है। छुट्टियां मिलती हैं, कोई ये पैदा हुए, कोई वो पैदा हुए, लेकिन ये जो पैदाइश हुई है बहुत पहले से तैयारी हो गई। ये औरों की तरह नहीं है कि जिस तरीके से और लोग आए, उन्होंने राज्य करा और उसके बाद चले गए, वैसा हमारा मसीह नहीं है, वैसा हमारा यीशु नहीं है। इस चीज को याद रखिए, ये और पैगंबरों की तरह और भगवानों की तरह ये वैसा नहीं है। और अगर हम वैसी तरह से हम इसको मानते हैं या वैसे ही हम इसको लेके चलते हैं या वैसे ही विचार हमारे दिमाग में है, जैसे और भी तस्वीरें लगी हैं वैसे एक और तस्वीर लग जाएगी और इसके सामने भी अपने सिरों को झुका लेंगे, तो आप गफलत में। औरों की तरह नहीं, ये हमारा वो यीशु है जो कि जब संसार भी नहीं बना था, ये दुनिया भी नहीं बनी थी, उसके पहले उसका आना मुकर्रर हो गया था। आपको मालूम क्यों हो गया था, क्यों उसको इस संसार में आना था? कोई बताएगा कि उसको पैदा होना क्यों जरूरी था? निजात के लिए, हमारे उद्धार के लिए, जो पाप हुआ।
बागी अदन में जो पाप हुआ था, जो आदम और हवा ने पाप करा था, जिसकी वजह से जो हमारा जो एक मेल मिलाप था अपने परमेश्वर से, वो मेल मिलाप टूट गया था। उस मेल मिलाप को एक बार फिर से वापस लाने के लिए उस मसीहा का इस संसार में जन्म लेना अवश्य था। और अगर वो संसार में ना आता तो हम पापों में थे और पापों में ही मर जाते, हमारा उद्धार नहीं होता। इतने लकी हैं, इतने किस्मत वाले हम हैं जो उसके नाम से विश्वास करके आज हम यहां पर बैठे हैं। इसलिए बैठे हैं इसलिए क्योंकि उसने इस संसार में जन्म लिया, और जो हमारा जो एक एक अलगाववाद हो गया था, उस अलगाव को दूर करके जो दूर थे उनको परमेश्वर के समीप मिलाप कर दिया। पहले से यह सब कुछ प्री प्लान था। जब यह संसार नहीं बना था उसके पहले परमेश्वर अर्थात यीशु का आना मुकर्रर हो गया था। वचन पढ़ा करिए, वचन में सब कुछ लिखा है। यह अद्भुत वचन है, यह भविष्यवाणी की पुस्तक है। जो कुछ आज हो रहा है और जो कुछ भविष्य में होगा सब कुछ इसमें लिखा है। और अगर आप इसको पढ़ेंगे तो इसके द्वारा आप अपने जीवन को तैयार कर पाएंगे। इसलिए तैयार कर पाएंगे कि वो आएगा और जो तैयार होंगे उनको अपने साथ ले जाएगा। लिखा है कि तुम औरों के नाई सोते ना। हमारा मकसद क्या होता है इस जन्म दिवस को मनाने का? आपको मालूम आजकल मेन मकसद तो पीछे हो गया। आजकल शैतान ऐसे ऐसे कामों को कर देता है इस क्रिसमस को मनाने का, सेलिब्रेट करने का मेन मकसद तो अलग हो गया है। इसका क्या मकसद हो गया है? आनंद करो, रिजॉइस। आपने देखा होगा ना, हम लोग व्हाट्सएप में मैसेज भी भेजते हैं, क्या भेजते हैं? मेरी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस। उसका जो मेन मकसद, जिस मकसद से वह संसार में आया, पैदा हुआ, उस मकसद को भूल के हम क्या करते हैं? दावत करते हैं, एक दूसरों को अपने घरों में बुलाते हैं, कई तरीके से दावत का वो अपना लुत्फ उठाते हैं, सब कुछ करते, लेकिन ये नहीं समझ पाते हैं कि किस लिए वो इस संसार में। चीजों उस मकसद को कभी ना भूलिएगा। मनाइए, खुशियां बनाइए, नए नए कपड़े पहनिए, अच्छे अच्छे पकवान बनाइए, सब कुछ करिए, अपने दोस्तों के साथ जाइए, पार्टी करिए, लेकिन जो मेन मकसद है उस चीज को याद रखिए। वो इसलिए पैदा हुआ ताकि आप और हमारे जीवन का उद्धार कर सके। और इस चीज को आप उन लोगों को बताइए जो नहीं जानते, वो उद्धार के लिए पैदा हुआ है। अगर वो इस संसार में पैदा ना होता तो आप और हमारा उद्धार नहीं हो सकता था। जो मेल मिलाप बागी अदन में टूट गया, वो मेल मिलाप वापस यीशु की वजह से, यीशु के द्वारा हमारा पिता परमेश्वर के साथ हो गया। एक और चीज, सिर्फ उसके पैदा होने से उद्धार का काम पूरा नहीं हुआ। उद्धार का काम सिर्फ उसके पैदा होने से नहीं हुआ है, उसके पैदा होने के बाद उसके मरने से और मरने के बाद उसके जी उठने से उद्धार का काम पूरा हुआ है। इसलिए हम पैदाइश को भी मानते हैं, उसके पैदाइश का मतलब है हम क्रिसमस को भी मानते हैं, उसके बाद उसके मरने का मतलब है कि हम उस गुड फ्राइडे को भी मानते हैं, और उसके जी उठने के बाद अर्थात हम उस ईस्टर को भी मानते हैं। बहुत जरूरी हमारे लिए, उसकी पैदाइश हमारे लिए आनंद को लेके आती है, उसका मरना हमारे लिए खुशियों को लेके आता है, क्योंकि इसीलिए मरा ताकि हमारे पापों को वो हमसे दूर कर दे, और इसलिए उठा है ताकि जिस रीति से वो प्रथम फल हुआ है उसके बाद हम भी उसी रीति से उठेंगे, और जो मेल मिलाप जो दूर हो गया था फिर से एक हो जाएंगे और अपने परमेश्वर के पास पहुंचेंगे। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। मेरे साथ निकालिए, बहुतों को नहीं मालूम होगा क्या मकसद है हमारा। मकसद क्या? क्रिसमस की क्रिसमस वादा रहने ना,
हमारा मकसद क्या, ये क्रिसमस ट्री है, मकसद खो गया है। आपको मालूम है दुनिया की भीड़ में ये मकसद खो गया है ना। आजकल क्रिश्चियनिटी, आजकल क्रिसमस किस रूप में मनाया जाता है, क्रिसमस फादर, क्रिसमस किस रूप में मनाया जाता है, क्रिसमस ट्री, किस रूप में मनाया जाता है। आप और हमारा फर्ज उन लोगों को बताएं कि किस लिए वो पैदा हुआ है, किस लिए हम ये क्रिसमस को मनाते हैं। इसलिए मनाते हैं क्योंकि जब संसार नहीं बना था उसके पहले ये चीज लिख दी गई थी कि वो एक नियत समय में आएगा और हमारे लिए वो इस संसार में जन्म लेगा और हमारे लिए मारा जाएगा और हमारे लिए जी उठेगा ताकि हमारा उद्धार का काम पूरा हो जाए। अभी आपके सामने पढ़ा गया गलतियों, मेरे साथ निकालिए गलतियों की पुस्तक 4। धीरे धीरे तो भाई या बहन गलातियों की पुस्तक 4 और उसकी पहली आयत से पढ़ दीजिए। मैं ये कहता हूं वारिस जब तक बालक है, कि वारिस जब तक बालक है यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है तो भी उसमें और दास में कुछ भेद नहीं, परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक रक्षकों और भंडारियों के वश में रहता है। वैसे ही हम भी जब बालक थे संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे, परंतु जब समय पूरा हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट आयत कि आप और हमारे लोगों के विश्वास को बढ़ाने के लिए खास तौर से जो जनजाति यहाँ पर बैठी है उसके लिए है। ये याद रखिए, ये जो वचन है, ये जो जिसको की बाइबल बोलते हैं, ये लगभग ये 2500 से 3000 वर्ष चीजों को सम्मिलित करके ये बनाई गई है। लगभग 40 लोगों ने इसको लिखा है और स्वर्गदूतों के द्वारा उन तक ये भविष्य की चीजें बताई गई हैं, पेशनगोईयां हुई हैं, भविष्यवाणियां हुई हैं और ये सब चीजें उन्होंने क्या करा, दूतों के द्वारा जो कुछ बताया गया उन्होंने लिख लिया, चमड़ों में लिखा गया, पेड़ की छालों में लिखा गया, पत्तियों में लिखा गया और अलग अलग स्थानों पे छिपा दिया गया क्योंकि इन लोगों के ऊपर सताव आता था। उसके बाद ये सब चीजें ढूंढी गई और इकट्ठा करा गया और इकट्ठा करने के बाद एक पुस्तक के रूप में आप और हमारे सामने रखा गया ताकि हम इस चीज को समझ सके और आसानी से जान सके। लगभग इसको लिखे, इसको इकट्ठा करे हुए 2000 साल हो गए, लगभग इसको इकट्ठा करे हुए लगभग कुछ नहीं तो 1800 से 1900 साल हो गए और इसमें जो लिखी हुई चीजें हैं वो 2000, 2500, 3000, 3500, 4000 साल पहले की चीजें हैं। वो इकट्ठा इधर उधर मिलके जो उनको इकट्ठा करा गया वो सब चीजें डाल के ये वचन बनाया गया है आपके सामने जो रखा गया है, इसलिए ताकि हम इसको आसानी से समझ सके। गलतियों की इस पत्री को लिखने वाला पौलुस कह रहा है, इसकी चौथी आयत सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़िए, परंतु जब समय पूरा हुआ अर्थात इसका मतलब है कोई एक चीज नियुक्त थी एक समय में पूरा होने के लिए, तभी तो वचन बताता है कि जब समय पूरा हुआ, इसका मतलब कोई एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट एक नियुक्त कर दिया गया था बहुत समय पहले और जब उस चीज का समय आया तो वचन बताता है जब समय पूरा हुआ। इस संसार को बनने से पहले, संसार रचे जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट इवेंट खुदा ने नियुक्त कर दिया था, खुदा ने मुकर्रर कर दिया था कि इस इंसान ने जो कि गुनाह करेगा उस इंसान को गुनाह को शुद्ध करने के लिए, उस पाप को शुद्ध करने के लिए, मौत के दंड से आजाद करने के लिए एक इवेंट को मुझे पूरा करना है, अर्थात यीशु के संसार में एक बेटे के रूप में मुझे पैदा करना है। लिखा है, पढ़िए,
तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, लिखा है जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। आपके मन में वचन बताता है ये संसार नहीं बना था उसके पहले, ये इवेंट ही नियुक्त हो गया था, उसका संसार में आके पैदा होना पहले से मुकर्रर हो चुका था। वचन बताता है, वचन बताता है, इसलिए ये जो पैदाइश है ये औरों की तरह नहीं है, ये बहुत ही अनोखी पैदाइश है और यहां पर हमारे लिए एक विश्वास को बढ़ाने वाला कारण है। ये औरों की तरह नहीं है, और आए मर के चले गए, इसके पास अपने प्राणों को देने का भी अधिकार था, अपने प्राणों को वापस पाने का भी अधिकार था। ये इसीलिए आया है ताकि आप हमारे लिए अपने प्राणों को दे और वो दिन हमारे लिए गुड फ्राइडे हो जाए। इसीलिए तुम लोग गुड बोलते ना, इसीलिए, क्योंकि जब तक वो अपने प्राणों को नहीं देता तो हम उस मौत की डंक से, उस मृत्यु के डंक से हम आजाद नहीं हो पाते। मेरे साथ निकालिए, लिखा है परंतु जब समय पूरा हुआ, वो कौन सा समय पूरा हुआ, कैसा समय पूरा हुआ, मेरे साथ निकालिए, विश्वास बढ़ेगा। यूहन्ना 17, अद्भुत चीजें हैं, ये वचन हमारे लिए है। अब तो सब कुछ एक साथ लिख दिया गया है ताकि हमें समझने में बहुत आसानी हो, हमारा विश्वास बढ़ सके। ये देखिए लिखा है छोटे झुंड मत डर, इस संसार से ना डर, इस संसार तो तुम्हें क्लेश देगा, संसार मेरे नाम से तुम्हें सताएगा, परेशान करेगा, लेकिन तुम चिंता ना करना क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। लिखा है कि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल रखा हुआ है। यूहन्ना 17 चौथी आयत से पढ़िए, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है, अब हे पिता तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले। ये यीशु मसीह कह रहा है, ये यीशु मसीह कह रहा है, इसका लिखा है कि इसकी चौथी पांचवी आयत, और अब हे पिता तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत के होने से पहले मेरी तेरे साथ। इसका मतलब है कि पहले से जब जगत नहीं बना था उसके पहले से यह तैयारी हो चुकी थी कि जब समय पूरा होगा यीशु मसीह को संसार में ना, लिखा है, कह रहा है कि और पांचवी आयत 17 यूहन्ना 17 उसकी पांचवी आयत, और अब हे पिता तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत के होने से पहले मेरी तेरे साथ पहले से तैयारी हो गई। इसलिए गलतियों में लिखने वाला कहता है, इसकी चौथी आयत लिखी है कि परंतु जब समय पूरा हुआ, जब समय पूरा हुआ। एक और जगह मेरे साथ निकालिए, पहला पत्रस, पहला पत्रस 1 और उसकी 20वीं आयत, उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था, का उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले से ही जाना गया था। देखिए वचन साफ बताता है, इब्रानियों के लिखने वाला कह रहा है कि उसका ज्ञान जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट किया गया। यहां पर हमारे लिए प्रकट किया गया है, इस ज्ञान को आप और हम भी याद रखिए, इसके पहले की संसार था मैं था। यीशु मसीह खुद कहता है इसके पहले की संसार था मैं था, और मैं इसलिए आया ताकि तुम्हें हम मैं क्या दू, जीवन दू और बहुतायत का जीवन दू। यूहन्ना 1 निकालिए मेरे साथ, गलतियों 4 को यहां पकड़ रहिएगा, यूहन्ना 1, और मैं आपके एक जगह ले चल रहा हूं जहां बताया गया जब समय पूरा हुआ,
योहन्ना 1 उसके पहली आयत से पढ़िए। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था जी, और वचन परमेश्वर था जी, यही आदि में परमेश्वर के साथ था जी, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ जी, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। चौथी आयत उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था, ज्योति अंधकार में चमकती है, अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आप उपस्थित हुआ जिसका इसकी दसवीं आयत पढ़ दीजिए। वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। लिखा है वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। ये यीशु मसीह के बारे में बता जा रहा है कि क्या लिखा है कि उसने एक देह को धारण किया ना, उसने एक देह को धारण किया। कौन सी आयत इसमें? और वचन देहधारी हुआ। वचन देहधारी हुआ। कौन सी आयत लिखा है? 14 चौथी आयत में लिखा है वचन देहधारी हुआ। इस वचन अर्थात इस वचन ने एक देह को धारण करा, अर्थात यीशु मसीह पैदा हुआ। ये यीशु मसीह के विषय में बताया जा रहा है। उसके विषय में दसवीं आयत में लिखा है वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। धन्य हम लोग जो कि हम उसको पहचान पाए और इस कारण से हम उन गूंगी मूर्तियों के पीछे से निकलकर आज हम यहां पर अपने जीवित परमेश्वर की सिताइश कर पाते हैं। वो परमेश्वर जो सदा अपने हाथों को फैलाए रहता है और कहता है कि प्रार्थनाओं को करो और मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनूंगा। आज भी हमारा जीवित परमेश्वर है, हमारे निवेदनों को सुनता है, हमारे विश्वास को बढ़ाता है, हमें अपने समीप आने देता है। सचमुच वो सुंदर समय लिखा है कि जब समय पूरा हुआ। चौथी आयत पढ़ दीजिए फिर से, गलातियों 4 उसकी चौथी आयत। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा। क्या जरूरत उसको स्त्री से जन्माने की? परमेश्वर चाहता तो चमत्कार कर सकता ना, किसी भी चीज से अपने यीशु को पैदा कर सकता था ना। स्त्री से जन्मा इसलिए ताकि वो आप और हमारे समान दुख सुख भोगी बने। अभी तो आप हमारी चिंताओं को जान पाएगा, आप हमारी बीमारियों को जान पाएगा। लेकर रोगों से उसकी जान और पहचान थी, निश्चय उसने हमारी बीमारियों को अपने ऊपर, हमारी बीमारियों को लिखा है कि वो बीमारियों को चंगाई, बीमारों को चंगाई देता, दुष्ट आत्माओं से आजाद करता था। जो आज यहाँ पर आप देखते ना, जो पादरी साहब करते ना, ये अधिकार सिर्फ खुदा की ओर से मिला है, ये अधिकार सिर्फ परमेश्वर की ओर से मिला। उसने बोला है कि जो मुझ पर विश्वास करते हैं वो मुझसे भी बड़े बड़े कामों को करेंगे। जो कुछ ये हो रहा है ये सब यीशु मसीह करने आया था। लिखा है कि वो अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा। स्त्री से जन्म लेना बहुत जरूरी था क्योंकि एक हर चीज एक प्रोसेस के थ्रू होती है, एक प्रॉपर चैनल से, प्रॉपर तरीके से होती है। जब तक कि वो स्त्री से नहीं जन्म लेता तो आप और हमारा उद्धार कैसे हो पाता? इसलिए उसको एक नजात का एक इंतजाम करना पड़ा। और आपको मालूम है इस चीज को यशाया भविष्यवक्ता जो कि यीशु मसीह के आने से, यीशु मसीह के पैदा होने से लगभग 700 से 800 साल पहले उसने उसके जन्म की भविष्यवाणी कर दी। अद्भुत चीज है, वचन बता रहा है यशाया भविष्यवक्ता। उसको तो यीशु मसीह के बारे में मालूम भी नहीं था, लेकिन उसको स्वर्गदूतों ने दर्शन दिया और स्वर्गदूतों ने उसको उसी समय बताया कि देख एक नियत समय में लगभग 700 से 800 साल के बाद एक मुक्तिदाता इस संसार में जन्म लेगा, एक उद्धारकर्ता इस संसार में जन्म लेगा जो हमारे पापों को हर ले जाएगा। यशाया मेरे साथ निकालिए, आप लोग सब जानते होंगे, मेरे साथ फिर भी निकालिए यशाया, विश्वास बढ़ेगा। यशाया उसकी 7 उसकी 14 आयत पढ़िए। इस कारण प्रभु आपकी पुत्र को एक चिन्ह देगा जी, सुनो एक कुमारी गर्भवती होगी, कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। ये यशाया देख रहा है,
यशाया एक दर्शन देख रहा है, यशाया का भविष्य की बातें बताई जा रही हैं, और वह भविष्य की बात जो कि लगभग 700 से 800 साल के बाद हुई, और यशाया देख रहा है कि एक कुमारी गर्भवती होगी, और आपको मालूम है मरियम के द्वारा यीशु मसीह संसार में पैदा हुआ। देखा जब समय पूरा हुआ, वो समय पूरा हुआ, और आप हमारे लिए एक अद्भुत काम हुआ। लिखा है इस यशाया 9 और उसकी दूसरी याद पढ़िए। जो लोग मध्याने में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। और इसकी छठी याद पढ़ दीजिए यशाया, ये देखिए ये भविष्य बातें बता रहा है। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार। हमारे लिए एक बालक उत्पन्न, कितने लकी है ना हम, औरों की नाई नहीं है जो कि शोकित रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई आशा नहीं। हमारे पास तो एक प्रबल आशा है कि इस स्थान को जब हम छोड़ेंगे तो हम अपने प्रभु के पास जाएंगे। लिखा है वो कहता है कि देखो तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, देखो मैं तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करने जाता हूं, ताकि जब मैं रहूं वहां तुम भी आनंद के साथ बहुत इत्मीनान के साथ रह सके। है कि नहीं? वचन बताता ना अद्भुत चीज है। जब समय हुआ तो हमारे लिए एक पुत्र को जन्म लिया, और वो मां उसने क्या लिखा, एक स्त्री के द्वारा एक पुत्र ने जन्म लिया। यशाया मेरे साथ निकालिए लूका 2 में भी कुछ ऐसे ही लिखा है। लूका 2 और उसकी 8वीं आयत से जल्दी से को भाई बहन पढ़ते। और उस देश में कितने गढ़िए थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का बहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत सुसमाचार को गलड़ियों के पास ले गए, जो भेड़ चढ़ाते थे उन तक ये स्वर्गदूत पहुंचे। वचन बता रहा है, और लिखने वाला आपको मालूम है कौन है? लूका है। लूका यीशु मसीह का चेला नहीं है ना, ये एक डॉक्टर था। जब ये डॉक्टर था, ये लूका पौलुस के साथ रहता था ना, पतरस के साथ भी, पौलुस के साथ, लूका पौलुस के साथ ना, पतरस के साथ यीशु मसीह का चेला पतरस, उसके साथ लूका। बाद में जब बहुत सी घटनाएं हुई थी यरूशलेम में, यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया, उसके बाद 30 दिन जी उठा, बहुतों ने देखा, 40 लोगों को 12 शागिर्दों को दिखाई पड़ा, 40 लोगों को दिखाई करा, फिर 500 की भीड़ को दिखाई पड़ा, उसके बाद उसका स्वर्गारोहण हो गया, चला गया स्वर्ग में, सबके सामने आंखों से सबको दिखाई पड़ा, वो चला गया। तो उसके बाद ये सब हलचल को लूका ने सुना। लूका वैद्य था, प्रोफेशन वो एक डॉक्टर था। जब उसने इन सब चीजों को सुना तो उसने जांच पड़ताल करी, और ऐसे नहीं उसने ये लूका की किताब लिखी, बहुत जांच पड़ताल करी, बहुत से उसने गवाहों के पास गया, और गवाहों से उसने खुद उनके मुंह से बातों को सुना। और उसके बाद ये लूका कह रहा है, लिखा इसके 8वीं आयत में, और उस देश में कितने गढ़िए थे। शायद ये लूका उस समय अगर गढ़िए जिंदा होंगे तो ये गढ़ियों के पास भी गया होगा, कुछ गढ़िए जिंदा होंगे उनसे पूछा होगा, उन्होंने अपनी आंखों देखा, हाथ वाकिया सुनाया होगा कि हम लोग ऐसे मैदान में बैठे थे, अपने जानवरों की रखवाली कर रहे थे, एक आए हमने स्वर्गदूतों को देखा, उचले सफेद कपड़े पहने हुए, और उन्होंने कुछ हमें बातें बताई। ये उनके विषय में ये बता रहा है, और उस देश में कितने गढ़िए थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड की पहरा देते थे। आगे पढ़ दीजिए। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ, और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका, और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का समाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। देखिए लिखा है, बता रहा है कि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के। हम तो त्योहार मनाते हैं ना,
इसलिए बनाते हैं ताकि हम इस सुसमाचार को सब लोगों को बता सके। इसलिए नहीं बनाते हैं क्योंकि गुजिया खाएं और अपने आनंद को और भी तरह से हम व्यक्त करने की कोशिश करें। बड़े बड़े वो गीतों को बजाते ना, टैग लगा देते हैं अपने घरों में, बाजों को बजाते हैं, उसके बाद और भी ऐसे ऐसे कामों को करते जो कि नहीं करना चाहिए। अपने दोस्तों को बुलाते हैं, उनके साथ हम पार्टी करते हैं, पार्टी में क्या क्या चीजें परोसते हैं, दुख लगता है ना। बस यही बच्चा है बड़ा दिन, क्या यही बच्चा है क्रिसमस, क्या ये सेंटा क्लॉज या क्रिसमस ट्री ही बचा है? अरे भाई ये इसलिए हमें बोला गया है। फिर से पढ़ दीजिए, फिर से पढ़ दीजिए। और उस देश में कितने लड़के थे, आप दसवीं आयत से पढ़ दीजिए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा मत करो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार है। सचमुच आप हमारे लिए आनंद का है, क्योंकि अगर वो पैदा ना होता तो आप और हमारा उद्धार भी, उद्धार के निमित्त पैदा हुआ। और लिखा है कि जगत की उत्पत्ति से पहले ये सब कुछ तैयार हो चुका था। लिखा जब समय पूरा हुआ, जो जो तैयारी हो चुकी थी जगत के पहले, वो चीज अब पूरी तरीके से प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट हो सकी। स्त्री से पैदा करना पड़ा, कुंवारी स्त्री से पैदा करना पड़ा। अब मालूम है इसका भी बहुत बड़ा भेद है, बहुत बड़ा भेद है। कुंवारी स्त्री से ही क्यों पैदा करना? बहुत बड़ा भेद है। वचन पढ़िए आपको समझ में आएगा। शैतान ने तो बहुत कोशिश करी कि उसके बीच में पाप डाल देना। कहां से शुरुआत करी थी उसने? दाऊद से। कहां से शुरुआत करी थी? दाऊद से। किसको किसको मालूम? हाथ उठाइए जरा। दाऊद के विषय में कितनों ने सुना है? हाथ उठाइए। यीशु मसीह कौन से वंश से निकला है? दाऊद के। यशाया 11 पढ़ दीजिए जरा जल्दी से। यशाया 11 वचन पढ़ा करिए। वचन की बहुत ही भेद की बातें हैं। अवश्य शैतान कमजोर करेगा, लेकिन जितना अगर हम दूर भागेंगे उतना कमजोर होंगे और शैतान हावी हो जाएगा। शैतान को हम कैसे हरा सकते हैं? वचन से। इफिसियों में लिखा है ना, इफिसियों 5:6 में लिखा ना, इन सब हथियारों को बांध लो ताकि तुम उसके चलते हुए दिलों का सामना कर सको। उसमें लिखा वचन ये ना, ना? तब यीशु के फूट में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकल कर पर्वत होगी। ये यीशु मसीह, यीशु जानते कौन है? दाऊद का पिता। लिखा है कि दाऊद के वंश से यीशु मसीह आएगा, दाऊद की राजगद्दी पर भी राखेगा। यीशु मसीह की खुद की राज की राजगद्दी नहीं है, दाऊद की राजगद्दी पर वो विराजेगा। इस चीज को याद रखिएगा, दाऊद के वंश से यीशु मसीह को आना था और ये चीज शैतान जानता था। इसीलिए शैतान ने क्या करा, जब दाऊद अकेला था उस समय दाऊद को होना कहां चाहिए था? लड़ाई में होना चाहिए, लेकिन दाऊद कहां था? अकेला था। और जब अकेला तो उसके मन में क्या आ गया? पाप आ गया। शैतान उसके मन के अंदर घुसा, पाप को डाला और दाऊद ने क्या करा? गुनाह करा। उसी गुनाह के बाद उसका वंश आगे बढ़ा, सुलेमान हुआ, सुलेमान के बाद और आगे हुआ, और आगे चलते चलते वहां से कौन निकला? यूसुफ। कौन निकला? और अगर यूसुफ के द्वारा मरियम की शादी हो जाती उसके बाद यीशु मसीह होता तो अवश्य है कि वो पाप यीशु मसीह तक भी आ जाता। वचन पढ़िए, वचन में सब कुछ लिखा, खुदा सब कुछ कर सकता है। शैतान ने तो बहुत कोशिश करी, लेकिन खुदा को एक बेदाग भरने की जरूरत थी। इब्रानियों में लिखा ना, पुरानी वाचा ही सब कुछ होती तो उसको नई वाचा को नहीं पूरा करना। इसीलिए यीशु मसीह जब आखिरी फसा लेता तो क्या कहता है? ये देखो, ये तुम्हारे लिए उस नई वाचा का लहू है। पुरानी वाचा नहीं, यीशु मसीह हमारी नई वाचा का लहू है। एक मध्यस्थ के रूप में आया है ताकि उसके मारे जाने से, उसके गाड़े जाने से, जी उठने से हमारा उद्धार हो सके। इसीलिए तो वो ये स्वर्गदूत कह रहे हैं कि देखो तुम्हारे लिए बड़ा आनंद का सुसमाचार है। अजीजो, ये आप और हमारे लिए आनंद का सुसमाचार है और ये सब लोगों के लिए है। और जब तक ये आप और हम इसका प्रचार नहीं करेंगे, ये और लोगों तक ये नहीं पहुंचेगा। प्रचार करना शुरू कर दीजिए। सिर्फ दारू पी के इस खुशी को ना मनाइए,
से बड़े बड़े बाजे वो अपने घर के सामने रात भर वो डांस करके इस खुशी को ना मनाए। बहुत से लोग करते ना, इसी खुशी को बस यही समझ के रखा है सेंटा क्लॉज और ये क्रिसमस ट्री लगा दिया, लेकिन ये नहीं बता पा रहे हैं कि यीशु मसीह क्यों पैदा हुआ। देखा जब समय पूरा हुआ हमारे लिए एक उद्धार का अद्भुत काम हुआ है, और की तरह यीशु मसीह नहीं है जो आए मर के चले गए। हमारा यीशु मसीह वो है जिसको अपना जीवन देने का भी और लेने का भी अधिकार था, उसी वही है जो कि तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठाए। लकी हैं आप जो यहां पर बैठे हैं, लकी हैं जिनका की यीशु मसीह ने जीवन परिवर्तित कर दिया, जो आज यीशु मसीह के नाम से अन्य जाति परिवार में तो पैदा हुए थे लेकिन आज यीशु मसीह के नाम यीशु मसीह के आगे अपने सिरों को झुकाते हैं। हमारा जीवित परमेश्वर है जो कि सदा हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, वो कोई मूर्त नहीं है कि एक बार रुका तो अपने आप से सीधे खड़े भी नहीं हो सकते। पढ़ दीजिए इसकी लुका पढ़ाते तो उसकी ग्यारहवीं आयत पढ़ दीजिए। तब यीशु के टूट रहे थे लुका दो और उसकी ग्यारहवीं आयत। दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धार करता जन्मा है। ये उद्धार करता जन्मा है, आप हमारे लिए एक उद्धार करता जन्मा है। उद्धार करता का मतलब है कि इसी के द्वारा आप और हमें उद्धार मिलना था, और कोई नाम नहीं है जिसके द्वारा आप हमारा जीवन को उद्धार हो सके। याद रखिए सैकड़ों हैं करोड़ों हैं लेकिन किसी से उद्धार नहीं हो सकता। आज हम उनकी पूजा करते हैं और कल उनको क्या करते हैं, कोने में छोड़ देते ना। जब तक घर में रहते हैं बड़ा सजाते हैं, बड़ी पूजा करते हैं, बड़ी अपनी श्रद्धा को दिखाते हैं, उसके बाद जब दूसरा साल आता है उनको छोड़ देते हैं, समझ में नहीं आता कहां पढ़े कैसे पढ़े। नहीं वो किसी कुकी मूर्तों में नहीं समाता। भजन संहिता 15 पढ़ दीजिए कल लिखा ना 115 में पढ़ दीजिए। हमारा कोई परमेश्वर ऐसा नहीं है जो कि ना देख सके ना सुन सके, जीवित परमेश्वर है और जीवित परमेश्वर अपने जीवित होने का प्रमाण देता है अद्भुत कार्यों के द्वारा, अद्भुत वरदानों के द्वारा, अद्भुत दानों के द्वारा। तो आप यहाँ पर देखते हैं जो लोग आते हैं और ठीक होकर चले जाते हैं, ये प्रभु की कृपा है जो इस दास को उसने दी है। अगर आप विश्वास के साथ आएंगे, अपना विश्वास उसके ऊपर रखेंगे कि दसियों ऊपर विश्वास लेके आएंगे, आज आए हैं ठीक हो जाएंगे, उसके बाद वो 10-7 दुष्ट आत्माएं और आपके जीवन में घुस के और परेशान करेंगे। जो दसियों विश्वास लेके चले आते हैं ये सोच के कि उनके आगे भी एक फोटो लगी है, एक और फोटो लगा देंगे, उनके आगे सर झुका लेंगे। नहीं, हमारा यीशु उन लोगों फोटो वालों नहीं है। देखा जब समय पूरा हुआ, पहले से तैयारी हो चुकी थी। देखा है पढ़ दीजिए यही मसीह प्रभु है, और आगे पढ़ दीजिए और इसका तुम्हारे लिए ये पता है कि एक बालक तो खुद कपड़े में लिपटा हुआ चरनी में पड़ा हुआ। याद रखिए लिखा है गलातियों 4:4, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर अपने पुत्र को भेजा कि जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। व्यवस्था के द्वारा उसका उत्पत्ति जरूरी थी। व्यवस्था आपको मालूम है, व्यवस्था लिखा है कि जब कोई भी पाप करता तो व्यवस्था के अनुसार उसकी क्या होती थी, सजा मिलती थी, और सजा मिलने के बाद व्यवस्था के अनुसार ही क्या होता था उसका, उसकी छुटकारा भी होता ना। पढ़ा दें 2 मिनट लेंगे और बस पढ़ा दें। इब्रानियों निकालिए जल्दी से मेरे साथ निकालिए इब्रानियों व्यवस्था। आपको मालूम है उस समय ये व्यवस्था समझ लीजिए व्यवस्था दी गई थी, और व्यवस्था के अनुसार अगर कोई पाप करता था तो उस पाप का क्या होता था, सजा मिलती थी। आज भी आपको मालूम है बहुत से मुस्लिम देश हैं जहां पर अगर वहां पर शरीयत उनको जो व्यवस्था मतलब शरीयत समझ लीजिए ये शरीयत की किताब है जिसको कि वो लोग कुरान कहते हैं, और शरीयत के अनुसार अगर कोई व्यभिचार करता है तो उसको क्या करा जाता है, पत्थर मारा जाता। आज भी आप पाकिस्तान में चले जाइए या जितनी भी आप ये गल्फ कंट्रीज में चले जाइए, कुछ ऐसी कंट्रीज हैं वहां पर जो व्यभिचार करता है तो वहां पर क्या करा जाता है, एक दिन मुकर्रर करा जाता है, और उस दिन भरे बाजार में लोग इकट्ठा होते हैं और वहां पर ऐसे लोगों को वहां पर रखा जाता है, उनके हाथ पैर बांध दिए जाते हैं और हरेक से कहा जाता है पत्थर उठाओ और उनको पत्थर मारो जब तक कि वो मर ना जाए। ये व्यवस्था का उनका इंसाफ, ऐसा न्याय होता था। लेकिन हमारे यीशु मसीह ने कहा नहीं बेटा ये न्याय गलत है, मैं तुम्हें नई व्यवस्था दूंगा।
मैं तुम्हें एक नई व्यवस्था देता हूं। अब पत्थर कौन मार रहे हैं? क्या जो पत्थर मार रहे हैं क्या उनमें से कोई पाक साफ है? जब तक पकड़े नहीं गए तो वो राजा, जिस दिन पकड़ गए वो क्या हो गए? चोर हो गए। जब तक पकड़े नहीं गए तो क्या? राजा। यीशु मसीह कहते हैं नई व्यवस्था तुम्हें देता हूं, तुम्हारे मनों में नई व्यवस्था डालूंगा। लिखा है इब्रानियों में, लिखा है इब्रानियों 11, सॉरी इब्रानियों 10, उसकी दूसरी आयत। पहली आयत से जल्दी से पढ़िए कोई, देखिए व्यवस्था के अनुसार अगर कोई पाप करता है तो उसको अगर प्रायश्चित करना होता था, प्रायश्चित पापों से मुक्ति, पापों से मुक्ति कैसे पाई जाती थी? जल्दी पढ़िए, खत्म करूंगा मैं। क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है पर उसका असली स्वरूप नहीं, इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष प्रचुर चढ़ाए जाते हैं पाप आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती। इसलिए याद पढ़ दीजिए, परंतु उनके द्वारा प्रत्येक वर्ष पापों का स्मरण हुआ करता है, क्योंकि ये अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। हाँ, उस समय व्यवस्था में लिखा था कि अगर कोई पाप करता है तो उस पाप से दूर होने के लिए आपको क्या करना है? प्रति वर्ष आपको जानवरों का लहू बहाना है। और वो क्या होता था? महायाजक और याजक होते थे, वो जाते थे, वो जानवर की बलि करते थे, उसके लहू को बहाते थे और लोगों के ऊपर छिड़कते थे। और जब लोगों के ऊपर वो लहू की छींटे गिरती थी वो उन पापों से क्या हो जाते थे? शुद्ध हो जाते थे। उसी के विषय में ये बताया जा रहा, नहीं उस तरीके से आप शुद्ध नहीं हो सकते थे, उस तरीके से आप अपने पापों से आजाद नहीं हो सकते थे। लिखा के पढ़िए, इसी कारण वो जगत में आते समय कहता है बलिदान और भेंट तुम्हें ना चाहिए पर मेरे लिए एक देह तैयार की। क्या है? मेरे लिए एक देह तैयार करिए। अजीजो यीशु मसीह का आना, उसका जन्म लेना इसलिए था ताकि आप और हम उसकी देह तैयार हो, अर्थात वो तैयार हो और वो मारा जाए ताकि आप और हम उसके मारे जाने से पापों से शुद्ध हो सके। इसीलिए उसका आना था अजीजो। इस चीज का प्रचार आप दुनिया के सामने करिए, दारू पीने का या डांस करने का या बड़े बड़े तेज आवाज में बाजा बजाने से आप यीशु मसीह का प्रचार नहीं कर सकते। मेन मकसद क्या है? उसके जन्म लेने का। इसलिए मकसद है ताकि आप और हमारा क्या हो सके? उद्धार हो सके। आखिर यह रोमियो 3, खत्म करूंगा। रोमियो 3 19वीं आयत, पहले गलतियों चार इसकी आखिरी आयत पढ़ दीजिए, साथ में गलतियों 4 और उसकी आप पढ़ दीजिए इसकी 5वीं आयत। ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर, लिखा है वह व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छोड़ा ले। जो व्यवस्था के अधीन थे, व्यवस्था के द्वारा जिनका छुटकारा नहीं होना था, जिनका वो मौत की ढंग से आजादी नहीं थी, लिखा उनके लिए पैदा हुआ ताकि उनको वो क्या करे? छोड़ा ले। अब आइए यहां पर रोमियो 3 और उसको 19वीं आयत पढ़ दीजिए, खत्म करूंगा मैं। जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा। व्यवस्था के कामों से कोई भी प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहर सकता। 23वीं आयत पढ़िए, इसलिए कि सब ने पाप किया है, परमेश्वर की महिमा से रहित है। 24वीं आयत सबसे इम्पोर्टेंट आयत पढ़ दीजिए, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है धर्मी ठहराए जाते हैं। हाँ, लिखा है कि यीशु मसीह के द्वारा जो उसके लहू में आप और हम धर्मी ठहराए जाते हैं। याद रखिए, इसलिए एक नियत समय में यीशु मसीह की पैदाइश हुई जिसको हम लोग क्रिसमस बोलते हैं। ये ना सोचिए 25 दिसंबर को पैदा हुआ, एक हम प्रतीक के तौर में इसने एक दिन को हमने ले लिया है 25 तारीख को। इसलिए नियत समय पर जब समय पूरा हुआ स्त्री के द्वारा वो जन्मा ताकि हम जो व्यवस्था के अधीन थे हमें वो क्या करे? छुटकारा दे सके। धन्यवाद हो उसकी पैदाइश का, धन्यवाद हो इसलिए वो संसार में आया है ताकि मोरों की नई शोकिता रहे, बल्कि हम इस चीज को विश्वास कर ले कि जो गुनाह आदम हवा ने करा वो गुनाह से उसने हमें आजादी दे दी है और हम उसके लहू से अब शुद्ध हो चुके हैं। प्रभु वचन में आशीष दे। आमीन।
धन्यवाद।